सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप या और भी कोई भी सोशल मीडिया हो, कुछ इस तरह की पिक्चर कई बार हमको देखने को मिलती है कि लैपटॉप या फिर मोबाइल की बैटरी के जलने या उसके एक्सप्लोड हो जाने से किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग पूरी तरह खराब हो गया है, जल गया है, और कुछ इस तरह की पिक्चर्स वो होती है जिनको देखकर ही डर लगने लगता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या बैटरी इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो सकती है कि इतना जल सकती है कि उससे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? पूरी की पूरी बारीकी आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि क्या हमें चार्जिंग में मोबाइल यूज करना चाहिए, हाँ तो हाँ और ना तो क्यों ना। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि क्या मोबाइल की बैटरी एक्सप्लोड होती है तो कितना प्रतिशत होती है, आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। बैटरी की जो सिक्योरिटीज है उसके बारे में पूरी बारीकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने भी कोई ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पर देखी है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी को सिक्योरिटी को लेकर हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं। कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कि कंपनी इस चीज पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती, या कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार बैटरी के फट जाने से, जल जाने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है, और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि क्या डुप्लीकेट चार्जर को इस्तेमाल करने से बैटरी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम चार्जिंग में मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। आज सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन पिक्चर्स की जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो भी पिक्चर्स होती है जिनमें फटा हुआ लैपटॉप, जला हुआ लैपटॉप या जला हुआ मोबाइल आपको देखने को मिलता है, वो तो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, लेकिन उसके बगल में जो पर्सन होता है, लड़का हो या लड़की, उसकी जो बर्निंग दिखाई जाती है, वो जख्मी दिखाया जाता है, उसके जख्म जो दिखाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि वो फोटो फेक होता है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से लिया होता है किसी फायर विक्टिम्स का या फिर किसी बॉम्ब का या कोई टेररिस्ट विक्टिम्स को लिया होता है, उनके बगल में दिखाया जाता है। अब बात करें इन पिक्चर्स में कितनी सच्चाई, तो पिक्चर्स में 50% सच्चाई है कि अगर जो मोबाइल वहां पे दिखाया जा रहा है फटा हुआ जला हुआ वो तो सही है, लेकिन जो पर्सन है वो किसी दूसरे ही किसी और प्रॉब्लम का विक्टिम है। तो यहां पर इतना मैं आपको बता दूं कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा भी नहीं है कि लोगों को इंजरी नहीं होती है। देखो कई बार ऐसे ओरिजिनल केस भी हमको मिले हैं जिन पर लोगों को इंजरी हुई, लेकिन वो इंजरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि उनसे बहुत ज्यादा खतरा हो सके। ऐसा नहीं कि आदमी कुर्सी पर बैठा बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल की बैटरी फटी और कुर्सी समेत ही बच्चा उड़ गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पूरा घर उड़ जाए, पूरा विस्फोट हो जाए, लेकिन हाँ छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, आपको 5-7 दिन दवा लेनी पड़ सकती है। तो ये तो हुई पिक्चर्स की बात। अब बात करते हैं कि बैटरी जलना और बैटरी का फटना दोनों अलग अलग कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों चीजें अपनी जगह अलग है, यहाँ पर बैटरी बर्न होती है, यहाँ पर बैटरी एक्सप्लोड होती है। अब ये कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, अमूमन जो मोबाइल आ रहे हैं आजकल स्मार्टफोन, उनमें जो बैटरी लगाई जा रही है वो लिथियम आयन की लगाई जा रही है। अब लिथियम आयन को अगर ऑक्सीजन से मिलाया जाए, ऑक्सीजन का जैसे उसमें मिलेगा तो वो आग पकड़ लेती है। अब अगर आपकी बैटरी में किसी भी कारण से कोई पंक्चर हो गया, कोई छेद हो गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा वो बैटरी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। अगर बैटरी मोबाइल से बाहर पड़ी हुई है तो आपको सिर्फ उसमें से धुआं ही निकलता दिखाई देगा, लेकिन अगर वो बैटरी मोबाइल के अंदर है तो मोबाइल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, प्लास्टिक वगैरह भी काफी होता है, तो वहां पर वो आग पकड़ लेती है और इस तरह से मोबाइल बर्न हो जाता है। अब बात करते हैं बैटरी के फटने का, यानी कि एक्सप्लोड होने का। तो देखिए बैटरी जो लिथियम आयन की बैटरी है उनमें एक होता है एथोड और एक होता है कैनोड। अब एथोड कैनोड के बीच में कुछ इंसुलेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पावर होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और जब उसे यूज कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। अब इनके बीच में एक इंसुलेशन लगाया जाता है, उसको मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं कि भाई मेम्ब्रेन लगाया जाए, कोई भी इस तरह का कोई इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे कि वो दोनों अलग अलग रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिक तापमान के कारण फोन का अगर हीट ज्यादा हो गया तो वो जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाता है, बैटरी पुरानी हो जाती है तो भी वो खराब हो जाता है। तो अगर वो खराब हो जाएगा तो कैथोड जो एनोड है वो दोनों मिल जाएंगे आपस में, और में बैटरी में उस वक्त जितनी भी पावर होगी वो सारी की सारी एकदम से निकल जाएगी और बैटरी आपकी एक्सप्लोड हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। उससे आपके अगर हाथ में फोन है, शरीर के किसी भी अंग के पास फोन है, तो वाकई में थोड़ी बहुत इंजरी आपको हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा। अब यहां पे बात करें इस चीज की, क्या जो बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल है, सैमसंग है, Xiaomi है, इनके भी फोन फट जाते हैं, तो क्या कंपनी बैटरी की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती? कई बार हम सोचते हैं कि यार कंपनी ध्यान ही देती, बट ऐसा नहीं है, कंपनी पूरी तरह ध्यान देती है, बहुत सारी सेफ्टीज यहाँ पे की जाती है। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं तो काफी सारे फेलसेफ्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, तो बैटरी के
की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे चार्जर की। तो आपके जो मोबाइल का चार्जर होता है, जो ओरिजिनल चार्जर है जो आपके मोबाइल के साथ आता है, उसमें कुछ ऐसे फील्ड सेट्स लगे होते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी होती है जो ये प्रोवाइड करती है कि जब भी आपकी जो बैटरी ओवरचार्ज हो जाए या बैटरी ऑटोमेटिक हीट करने लग जाए या बैटरी जो मोबाइल है उसका तापमान ज्यादा हो जाए तो वो चार्जिंग की सप्लाई को रोक देती है और आपके फोन को ज्यादा ओवरहीट ओवरचार्ज नहीं होने देती। उसके बाद बात करें कि अगर चार्जर की ये डिवाइस ये जो टेक्नोलॉजी है फेल हो जाती है तो आपके मोबाइल का जो यूएसबी पोर्ट है जहां पर हम चार्जिंग की पिन लगाते हैं वहां पर भी कुछ इस तरह के फेल सेट्स लगाए गए होते हैं कि वो ज्यादा करंट आपके मोबाइल में जो जाता है उसको रोक देते हैं। अगर मान लो चार्जर में प्रॉब्लम हो गई है और ज्यादा करंट आपके मोबाइल में जा रहा है तो उसको वहां रोक देते हैं। अगर ये दोनों भी फेल हो जाते हैं, ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं किसी भी टेक्निकल इश्यू के कारण, तो आपके मदरबोर्ड में भी कुछ ऐसे आईसीज कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लगाए गए होते हैं जो आपकी जो बैटरी है वहां पर ज्यादा पावर देने से रोकते हैं, यानी कि वो आपकी बैटरी को ज्यादा पावर जितनी उसको चाहिए उतनी ही मिलती है, बहुत ज्यादा जो ओवर चार्जिंग है वो नहीं होने देते। और अगर ये तीनों भी बेकार हो जाते हैं, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है कि तीनों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैटरी के खुद के सर्किट के अंदर भी कुछ ऐसे फेल सेट्स लगे होते हैं जो ज्यादा पावर बैटरी में नहीं जाने देते। अब कंपनी यहां पर काफी इफर्ट कर रही है कि आपकी बैटरी को सिक्योरिटी प्रदान कर सके, फिर भी बैटरी फट जाती है तो उसका मैं आपको कारण बता दूं। जैसे अभी मान लो सैमसंग का जो नोट 7 आया था उसमें काफी किसे सुनने को मिले थे कि बैटरी एक्सप्लोड हो गई थी, तो अगर उसी का केस ले ले तो देखिए उन्होंने 20 लाख फोन सेल किए थे आंकड़ों के अनुसार और सिर्फ 35 केस ही ऐसे आए थे जहां पर बैटरी एक्सप्लोड हुई थी। अब 20 लाख में 35 केस तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम मात्रा, और इतने रिस्क तो आपको हर जगह मिलेगी, बात मोबाइल की नहीं कर रहा, आप कोई भी काम करो इतने रिस्क तो रहती है। तो आप बैटरी के फट जाने से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि यार जो नोट 7 था उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे एथोड कैनोड का बताया तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि बहुत छोटी जगह में ज्यादा बड़ी पावर की बैटरी लगाने की कोशिश की थी जिससे बैटरी थोड़ी हीट हो जाती थी, तो एथोड कैनोड तो मिल जाते थे और वहां पर बैटरी एक्सप्लोड हो जाती थी। अब बात करें Xiaomi के कुछ फोनों की, तो Xiaomi के फोनों में प्रॉब्लम यह आती है, आपने देखा होगा कि काफी सारे मॉडल Xiaomi के थोड़ी हीट पकड़ते हैं, तो जब फोन हीट होता है तो भी बैटरी के जो एथोड कैनोड वो मिलने का प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पर जो उसकी इंसुलेशन होती है वो खराब हो जाती है, तो वहां पर भी फोन एक्सप्लोड हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मैं बात करूंगा कि सेफ्टी की, हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल को, तो मैं आपको चीज बता दूं एक कि देखिए अगर आप फोन को चार्जिंग में लगा के काम कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं भाई मत कीजिए इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फोन को चार्ज करते वक्त आराम से काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फोन नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हीट हो रहा है, थोड़ा सा तापमान उसका बढ़ रहा है, तो आप उस काम को तुरंत बंद कर दे और फोन को स्विच ऑफ कर दे, या फिर कार के डैश पर फोन रखा हुआ है और गर्मी के कारण वहां फोन का तापमान बढ़ रहा है तो वहां भी आप फोन को स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि ये सारी के सारी प्रॉब्लम टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आपके फोन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी बैटरी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एथोड जो कैनोड है वो प्रॉब्लम करेंगे और आपका फोन एक्सप्लोड हो सकता है, यानी कि आपकी बैटरी जो मोबाइल की है वो एक्सप्लोड हो सकती है। यहां पर एक और सेफ्टी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे फोन का चार्जर खो जाता है तो हम मार्केट से चार्जर लेकर आते हैं, अब लोकल चार्जर ले आते हैं। वैसे तो मैंने बताया कि आपके फोन के यूएसबी पोर्ट में भी कुछ ऐसे फेल सेट्स लगे होते हैं जो आपके जो चार्जर है उसको रोकते हैं कि वो ज्यादा पावर आपके मोबाइल में ना दे, फिर भी लोकल चार्जर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोकल चार्जर से अपना मोबाइल यूज ना करें। लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है कि अगर मेरे पास कोई कंपनी का मोबाइल है, दो मोबाइल है अलग अलग बड़ी कंपनियों के, एक का चार्जर खो जाता है तो दूसरे चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी बड़ी कंपनी है वो अपने चार्जर में फेल सेट लगा के रखती है, लेकिन जो लोकल जो आफ्टर मार्केट चार्जर होते हैं 50 रुपए का 100 रुपए का वो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके फोन के टेम्परेचर पर प्रॉब्लम होती है। और कभी भी आपको लगता है कि आपका जो फोन है वो चार्ज करते वक्त या कभी भी हीट कर रहा है किसी भी काम से, तो आप फोन को स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि ज्यादा हीट करने से ये प्रॉब्लम होती है। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी जो बैटरी है वो फटेगी, क्योंकि आप उसमें पूरी की पूरी सिक्योरिटी से इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और जिनको इस बात से डर लगता है कि यार ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा विस्फोट होता है, उनको तो ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि यहाँ पर यूजफुल जानकारी मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे होगा ये कि जब भी मैं डालूंगा कोई वीडियो या अपनी कंपनी टाइम में कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगी तुरंत, और कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।